रचना, मैं पुरुषोत्तम को लैपटॉप दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? ढिंडोरा पीटने की इस आदत को पता नहीं आप कब छोड़ेंगे। आओ प्यारेलाल। हाँ। क्या हुआ, एक हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे हो, कुछ नया लिया क्या? ये है प्यारेलाल और ये है पुरुषोत्तम, दोनों की दोस्ती बचपन से ही है। लेकिन प्यारेलाल अमीर था, अपनी गाड़ी बंगला वगैरह। पुरुषोत्तम के पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए वो हमेशा गिन चुन के ही खर्च करते थे। प्यारेलाल भी अच्छे इंसान ही हैं, लेकिन ये घिंडोरा पीटने की आदत अब भी गई नहीं। अरे रिमोट कार। हे, हाय यार। हाय। हे कार कैसा है? सुपर है ना? सुपर है। जरा दिखाओ। मेरे डैडी मेरे लिए फॉरेन से लेकर आए। हाय यार। हाय। मेरे डैडी मलेशिया से ये लेकर आए। कैसा है? सुपर है ना? सुपर है यार। सुपर वीडियो गेम है यार। हे मुझे भी खेलने दो ना। हेलो ना। हे आई एम अ सुपरमैन। हे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? मेरे पैर दुख रहे हैं, समझा? ए सॉरी सॉरी, अंदर आओ यार। हे ये ड्रेस सिर्फ मेरे पास है, मालूम है? पुरुषोत्तम, मैंने रमेश के लिए नया लैपटॉप लिया है, कैसा है? लैपटॉप बहुत अच्छा है यार। बाप रे, पिछले हफ्ते से बहुत व्यस्त था। एक बड़े स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन करना था और इसके खातिर मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े, लेकिन आखिर में बहुत पैसे देने के बाद जैसे तैसे फाइनलाइज कर दिया। अब क्या करें, बेटे के भविष्य का सवाल है ना, इसलिए। अच्छा, तुमने गंगा का एडमिशन कौन सा स्कूल में कराया? मेरी बेटी को स्कूल में नहीं बल्कि चेन्नई समृद्धा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन करवाया है। अरे ये तुमने क्या किया, हमारी गंगा तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे स्कूल भेजने के बजाय किसी कैटरिंग कोर्स क्यों भेज रहे हो? ये कैटरिंग कोर्स नहीं है, ये होटल मैनेजमेंट कोर्स है। मतलब ये 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार और दूसरे बड़े होटल्स है ना, उसे कैसे संभालते हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला ये कोर्स है। 6 महीने में पार्ट टाइम जॉब और दूसरे साल में ही ट्रेनिंग और विदेश जाने का मौका भी। और केवल यही नहीं, कोर्स खत्म होने के पहले ही पर्याप्त रोजगार का अवसर भी मिलता है। मैंने भी इसे टीवी पे देखा है, लेकिन उन सब पर भरोसा नहीं कर सकते। देखो पुरुषोत्तम, तुम्हारी बेटी के भविष्य का सवाल है, सोच समझकर फैसला लेना। इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वहाँ जाकर इंक्वायरी भी की और अपनी आँखों से देखने के बाद ही एडमिशन करवाया है। ठीक है पुरुषोत्तम, मैं चलता हूँ। हाँ। ये क्या भाई, यूनिफॉर्म पहनने के बजाय सूट क्यों पहनी है? यही हमारे चेन्नई समृद्धा का यूनिफॉर्म है। पापा मुझे ऑफिस जाना है आईडी कार्ड लेने के लिए, ठीक है? ठीक है बेटी। माँ मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। गंगा रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके अंकल। ओके यार मैं चलता हूँ। हाँ। बाय अंकल। बाय बाय बाय। आप किसके लिए कोर्स देख रहे हैं, आपकी बेटी या बेटा के लिए? मैडम मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सवाल मेरा बेटा या बेटी का नहीं, मेरे दोस्त की बेटी यहाँ पढ़ रही है। ओके। मैंने इसके बारे में टीवी पे बहुत देखा है और मेरे दोस्त से इसके बारे में सुनने के बाद मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या यह सब सच में मुमकिन है? बिल्कुल सर, आपके दोस्त भी यहाँ आए थे, फिर उन्होंने खुद जाकर कॉलेज देखे। शायद आपको विश्वास नहीं होगा पर यह सच है, आप कुछ ही देर में इसे खुद अपने आंखों से देख पाएंगे सर। हमारी गाड़ी बाहर है सर, पहले आप चेन्नई समृद्धा के क्लासरूम्स और लैब्स देखकर आइए। वेलकम टू चेन्नई समृद्धा। नमस्ते मैडम। आइए सर, आइए, यही हमारा फ्रंट ऑफिस लैब है। आइए अंदर चलते हैं।
सर, मैं जब चेन्नई अमृता के कैंपस के अंदर आया तो मेरे बहुत से सवाल थे, लेकिन नीचे ऑफिस के स्टाफ ने सारी बातें समझा दिए। उन्होंने मुझे कैंपस भी दिखा दिए। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन दो सवाल है जिसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया ताकि आपसे उसका जवाब पा सकूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? जरूर पूछ सकते हैं, क्या सवाल है? सर, मैंने चेन्नई अमृता के पूरा कैंपस घूम के देखा। क्लासरूम से लेकर लैब्स तक सारे के सारे एयर कंडीशनड है। एक स्टार होटल की तरह महसूस होता है। कहते हैं कि नौकरी मिलने के लिए 100% गारंटी है, और रोजाना प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेते हैं। इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि फीस भी थोड़ा ज्यादा ही होगा ना? आपका सवाल एकदम उचित है, इसमें कोई शक नहीं। चेन्नई अमृता का निर्माण हमने इसलिए किया कि आप एक इंटरनेशनल कोर्स को डोमेस्टिक कॉस्ट पर पढ़ सके, यानी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्स की पढ़ाई को लोकल फीस में कर लेना ही चेन्नई अमृता का लक्ष्य है। अगर आप देखें तो फीस स्ट्रक्चर कोर्स के ऊपर आधारित है। यहाँ का बेसिक कोर्स का फीस 24,000 रुपए से शुरू होता है, और ये 24,000 रुपए भी आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं, इसे इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए भी विकल्प है, मतलब ईएमआई। और रही बात स्टूडेंट्स की, वो कोर्स के पहले 6 महीने के बाद ही पार्ट टाइम जॉब्स करके कमा भी सकते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो करीबन 10,000 रुपए महीने कमाते हैं। चेन्नई अमृता के कुछ स्टूडेंट्स तो 15,000 भी कमा लेते हैं। इन सब का डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। इसलिए इस 24,000 रुपए को भी सिर्फ 6 ही महीने में बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पार्ट टाइम कमाई से अपनी सेमिस्टर फीस भर देते हैं, और इस तरह से अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स तो पैसे घर भी भेजते हैं। इसलिए चेन्नई अमृता में फीस शुरू होता है 24,000 रुपए से, और उसके अलावा कोई फीस नहीं है। किताबें मुफ्त में दिए जाते हैं, रिकॉर्ड नोट्स मुफ्त दिए जाते हैं, और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स को कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। हम यहीं पर ही इंतजाम करते हैं। ये प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी जरूरत है, जैसे चिकन मटन वगैरह, सब कुछ मुफ्त में प्रदान करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए 24,000 रुपया जो है वो बहुत ही आराम से पार्ट टाइम जॉब करके ही वे उसे आसानी से भर सकते हैं। सुनिए जी। हाँ? क्या हो गया आपको? जब से आए हैं परेशान दिख रहे हैं। हमारे पुरुषोत्तम की बेटी गंगा ने चेन्नई अमृता ज्वाइन कर ली है। क्या? वही इंस्टीट्यूट जो होटल पढ़ाई के बारे में टीवी पर एड दिखाते हैं, उसमें? क्या मतलब है उसमें? मैंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं खुद इंस्टीट्यूट जाकर अपनी ही आंखों से देखा। चेन्नई अमृता के क्लासरूम्स, लैब्स सब बहुत ही बढ़िया है। पता नहीं उसे कॉलेज या उसे 5-स्टार होटल कहूँ। ये क्या बकबक कर रहे हो? क्लास, 5-स्टार होटल, ये ऐसी बात नहीं है। 2 साल का कोर्स खत्म करने के बाद अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी, जिंदगी तो सेटल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमें रमेश को भी चेन्नई अमृता में भेजना चाहिए। क्या मतलब? हमारे बेटे को उस कॉलेज में भेजेंगे? आपका दिमाग खराब हो गया है? उनके हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ भेज रहे हैं। मेरे बेटे में क्या खराबी है? और हमारे पास तो 3 पीढ़ियों के लिए भी पैसे हैं। और अभी तो मेरे बेटे को +2 पढ़ना है, कॉलेज जाना है, और भी तो पढ़ना है। अब हालात ऐसे भी नहीं है कि हमें 2 साल के अंदर उसकी कमाई का सहारा लेना पड़े। वो बात नहीं रचना, जो मैंने देखा है, अगर तुम भी उसे देखती तो इस तरह बात नहीं करती। देखिए जी, अगर आप उस होटल के बारे में और कुछ भी कहें ना, तो बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, तुमने मेरी बात कब सुनी है? अरे, मैंने तुम्हें एप्पल कंप्यूटर इसलिए खरीद के दिया? सब मेरी किस्मत।
क्यों भाई पुरुषोत्तम, तुम्हारा घर तो बिल्कुल बदल गया। पहले तो सब इधर उधर पड़ा रहता था। हा? सब गंगा की वजह से। घर छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा इसे साफ सुथरा रखना चाहती है। अच्छा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछनी थी। हमारी गंगा बराबर क्लास जा रही है ना? बुरा मत मानना यार, क्योंकि मेरे बेटे का बैग साइज एक टैंकर लॉरी के जितना है, लेकिन गंगा उसका तो बैग ही नहीं है और कुछ दिन तो लंच बॉक्स भी नहीं, इसलिए पूछ लिया। इसका जवाब मैं देती हूँ। इस कोर्स में किताबें लेकर दिन रात रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा प्रैक्टिकल्स है। ये बहुत इजी है अंकल। ओके पापा, मैं प्रोजेक्ट प्रिंटआउट लेने जा रही हूँ, फिर शिफ्ट में जाना है। माँ स्कूटी का चाबी। ये लो बेटी, संभल कर जाना। ओके माँ। ओके डैड, बाय बेटी। अच्छा, तुमसे पूछना था, वो स्कूटी किसकी है? गंगा के दोस्त की? गंगा की ही है। कैसे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना, 6 महीने के बाद पार्ट टाइम जॉब मिलता है। अब तो 8 महीने हो चुके हैं। मैंने ऑफिस से लोन लेके स्कूटी खरीदी है। पिछले महीने से गंगा ही ईएमआई भर रही है। हम लोगों ने स्कूल बंद किया है, घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मैंने बहुत सारी छुट्टियां ले ली है। अच्छा, फिल्म कैसा था यार? बहुत बोरिंग था ना? हाँ यार। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं पापा, वो आज स्कूल हाफ डे ही था इसलिए। हाफ डे? 11 बजे तुम्हें हाफ डे लग रहा है? इनको अभी आना था। और ये दोनों कौन है? दोस्त है मेरे। हाँ अंकल। अरे उसका यूनिफॉर्म कैसा है, तुम्हारा कैसा है, क्या दोस्ती है? अरे पगलो, इसकी तो मत्ती मारी गई, ऐसे घूमता रहता है। तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या? नहीं अंकल, वो बस मस्ती में। हम मस्ती में? जाकर पढ़ाई में ध्यान दो। अरे तुम तो वैसे भी गए गुजरे हो, उनको क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं पापा, वो क्या है कि बस निकलो यहाँ से। अच्छा इधर आओ। तुम्हारा पॉकेट में क्या है? वो पॉकेट दिखाओ। नहीं पापा, कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, क्या है ये? फिल्म का टिकट है पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कर रहे हो? जाओ, जाके पढ़ाई में ध्यान दो। जाओ, जब देखो घूमते रहता है लास्कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चेन्नई समृता में आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए हम आपको स्टाइफंड के साथ में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज रहे हैं। खुश हो ना? हाँ, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहब आइए, सब ठीक है ना? हाँ यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उफ मम्मी, फ्रेंच करीज में करी पत्ता नहीं डालते। ऐसी बात है? क्या बात है गंगा, आज कुछ खास है क्या? ये दावत किस बात की? अभी दूसरा साल है ना अंकल, वादे के मुताबिक चेन्नई समृता ने मेरी विलायत ट्रेनिंग का प्रबंध किया है। अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। खाना खाइए ना। हाँ ठीक है बेटी। पुरुषोत्तम, अच्छा वो मेरे बेटे के टूर के लिए पैसे? पहले खाना खाओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। गंगा, सिंगापुर जाने की सारी तैयारियां हो गई? सब कुछ रेडी है अंकल। क्या इंद्र रास्ता मंदिर? क्या नहीं, ये रास्ता बंद है। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल मी हाउ टू रीच द मेन रोड? You need to go down the road and take the first right. Okay, thank you. Oui, Liana, tell us pa path. Oui, Iliona a aduat. Merci, sabia. इतने सारे भाषाएं तुमने कैसे सीखी? अंकल, हम जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 5-स्टार होटल संभालना पड़ता है। 5-स्टार होटल क्या होता है, कौन कौन आते हैं? दुनिया भर से लोग आते हैं और हमें उनसे बातें करने के लिए भाषा जानना जरूरी है ना? इसीलिए चेन्नई समृता में स्पोकन इंग्लिश, चाइनीज और फ्रेंच भी मुफ्त में सिखाए जाते हैं। ये सब अगर बाहर पढ़ने जाए तो मुझे लाखों रुपए लग जाएंगे। hmm.
लीजिए सर, चेक कर लीजिए। सर बाइक के कीज। अब जो होना वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। प्यारे लाल रुको, पैदल कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ तुम्हें। अब क्या बताऊँ, अपने बेटे को एक बड़ा स्कूल में दाखिल करवा, डोनेशन दिया, फिर वो फीस, ये फीस, कोचिंग फीस, ट्यूशन, एंट्रेंस वगैरह, उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और अब उसे एग्जाम्स में कम नंबर मिला है और अब कॉलेज की डोनेशन के लिए मैं बैंक जा रहा हूँ अपना घर गिरवी रखने के लिए। भाई हे भगवान, कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं हर चीज के लिए तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए, और सिर्फ वही नहीं, ये तो एक बड़ा रकम है ना, इसलिए। प्यारे लाल, सिर्फ मेरी कमाई होती तो ये मुमकिन नहीं होता, पर अब गंगा फॉरेन में अपनी ट्रेनिंग खत्म करके उसे नौकरी भी मिल गई है। ट्रेनिंग के दौरान उसने भेजे हुए पैसों को मैंने जमा करके रखा है। तुम्हें घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ, मैं दूंगा। नहीं ठीक है भाई, नहीं, मुझे नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं पुरुषोत्तम, वो बड़ा रकम है, बेकार में तुम्हें परेशान। अरे ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम आओ तो आओ। सुनिए जी, हमारे बेटे ने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, आजकल सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है ना, उसके लिए तो और भी पढ़ना होगा जी, इसलिए। देखो भाई, मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर तो पहले ही गिरवी रखा हुआ है, उसके कॉलेज फीस के लिए अब तो हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गंगा के पिता से कुछ पैसे। मालूम था यही कहोगी, तुम्हें याद है तुमने उस गंगा की होटल पढ़ाई की मजाक उड़ाई थी, वही गंगा पढ़ाई के वक्त ही नौकरी करने लगी थी और कोर्स भी 2-3 साल में खत्म करके, और उसका एक्सपीरियंस 5 साल फॉरेन में होने के कारण आज वो एक 5-स्टार होटल में मैनेजर है। लेकिन तुम्हारा बेटा प्लस टू खत्म करके, 3 साल की डिग्री भी खत्म करके, आज दर दर भटक रहा है नौकरी की तलाश में। मैंने जो भी सोचा किया सब गलत था, अगर हम लोग भी अपने रमेश को गंगा जैसे चेन्नई समर्था में भेजते तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब पता नहीं क्या होगा, बस 2 ही साल है, उसे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना। अब तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, एक जमाने में जब भी मैं कुछ नया खरीदता था उसे जाकर दिखा के अपने आप पर गर्व करता था, लेकिन अब जब भी मैं उसके पास पैसों के लिए जाता हूँ तो शर्म से झुक जाता हूँ। क्या करें, वो अकलमंद है, अपनी बेटी की जिंदगी उसने पूरी तरह प्लान की और अब सेटल हो गया। हाय पापा, कैसे हो। मैं ठीक हूँ बेटी। मैं अब एक सीनियर मैनेजर बन गई हूँ, कंपनी ने मुझे BMW गाड़ी दी है। अच्छा ठीक है पापा, जल्दी बोलो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। हाँ मरून कलर ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ ये ठीक है। हाय माँ, कैसी हो। मैं अच्छी हूँ। अरे हम तो ठीक है। गाड़ी जरा रोको। प्यारे लाल, प्यारे लाल। यहाँ आइए। नमस्ते सर। क्यों प्यारे लाल जी, आजकल बैंक में दिखाई नहीं दे रहे, बेटे ने डिग्री खत्म कर ली और आप ब्याज नहीं दे रहे। नहीं सर, मैं खुद आपसे मिलने की बात सोच रहा था, सिर्फ डिग्री होने की वजह से मेरे बेटे को अभी भी नौकरी नहीं मिली। आप जैसे भी करके उस घर की कीमत को बढ़ाकर थोड़ा सा और लोन देंगे तो आपका भला होगा सर। ठीक है, आज दोपहर को मुझसे बैंक में मिलना, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाय पापा, क्या कर रहे हैं, सब लोग कैसे हैं? प्यारे लाल अंकल कैसे हैं? ओ, उनके बेटे ने पढ़ाई पूरी कर दी क्या? पढ़ाई से ज्यादा इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस के बिना नौकरी नहीं मिलेगी। इसके पहले का आपको कोई एक्सपीरियंस है? पहले एक्सपीरियंस के बिना डिग्री बेकार है। डिग्री बेकार है। एक्सपीरियंस के बिना डिग्री बेकार। माँ, अरे रुको ना, मैं आ रही हूँ। अरे हर दिन ये क्या हो रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसे देखकर तुम कुछ सीख क्यों नहीं लेते। किसे, उसे? तुम मजाक कर रही हो माँ, वो कॉलेज में मेरे से 2 साल बड़ा है, अभी भी उसे नौकरी नहीं मिली है। खैर वो सब छोड़ो,
देखो माँ, जो हो गया सो हो गया, एक बात पूछनी है। सुनो, धीरे बोलो वरना पापा जाग जाएंगे। पापा तो जाग ही रहे, मुझे पता है, तुम बात को टालो मत। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे एक बात पूछनी थी। प्लस टू पढ़ने के लिए कहा मैं पढ़ा, कॉलेज जाने के लिए कहा मैं गया, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। और यही नहीं, तुमने मुझे आगे पढ़ने के लिए कहा, मैंने वो भी किया, पढ़ाई की, पास भी हुआ। पर अब क्या हुआ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं तो एक साल दो साल का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। क्या खाक एक्सपीरियंस। मैं मानता हूं मां, मैंने एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लिए, लेकिन पास तो हुआ ना। अगर सात साल पढ़ाई करता रहूंगा तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा। बिना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इस तरह कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे। आखिर में आप सब लोगों ने मिलकर मुझे बेकार बना दिया है ना माँ। इस एक्सपीरियंस को कहां सीखना है, मुझे स्कूल में सिखाया नहीं गया। और ना ही मेरे कॉलेज में। और तुमने भी तो नहीं सिखाया। क्यों माँ, ये गंगा मेरे साथ दसवीं तक पढ़ी, लेकिन पार्ट टाइम जॉब छह महीने में जाने लगी, और डेढ़ साल में सिंगापुर में ट्रेनिंग, सिर्फ चेन्नई अमृता में पढ़ने के कारण। तुम जानती हो वो कहां है, मैंने फेसबुक में देखा, वो ऑस्ट्रेलिया में है। सात साल प्लस टू, यूजी, पीजी, लेकिन जब खत्म कर दिया तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उस गंगा के पास पूरे पांच साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इसलिए आज वो फाइव स्टार होटल के मैनेजर है। पता नहीं मां, मुझे पता नहीं क्या करना है। आई एम वेरी सॉरी मां। शाबाश बेटा, आज ही तूने सही बात कही है। ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो कुछ उल्टा सीधा बक रहा है, और आप भी उसके साथ मिलकर बक रहे हैं। कौन, मैं? हाँ, मैंने उसी दिन तुमसे यही बात कही थी कि गंगा के जैसे ही हमारे बेटे को भी चेन्नई अमृता में भेजे, लेकिन तुमने कहा सुना, मेरी बात कब सुनते हो। मेरा बेटा बहुत सारी डिग्री लेकर सात साल में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यही कहा था ना। अब देखो वो कहां से कहां आ गया है, अब तो सब कुछ लुट चुका है, अब तो लग रहा है घर भी नीलाम हो जाएगा। और हाँ, नोटिस भी दिया गया है, ये पैसा वैसा संपत्ति ये घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे बेटे ने उसका आत्मविश्वास खो दिया है, उसने अपनी जिंदगी का सात साल खो दिया है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब जाओ, इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर पड़े उसे अपने कमरे में ले जाओ। जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट जाऊंगा, जाओ। सुनिए जी, आप जरा गंगा से पूछेंगे कि हमारे बेटे को चेन्नई अमृता में सीट मिल सकता है क्या, मिल गया तो अच्छा होगा ना। गंगा ने पांच साल पहले पढ़ाई की थी, तुम्हारे पूछने पर सीट मिलना और वो भी चेन्नई अमृता में उतना आसान बात नहीं है। प्यारे लाल जी घर पर है? एक मिनट सर। सुनिए जी, ये क्या हो रहा है, बैंक मैनेजर आदमियों के साथ घर के बाहर खड़े हैं और आप हैं कि लकेज के साथ यहाँ खड़े हैं। जाओ। नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे गलत मत समझना प्यारे लाल जी, पीढ़ियों से आप यहाँ पर शान और शौकत से जीते आ रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर ये मेरे पहुंच के बाहर है, सॉरी सर। खैर छोड़िए सर, अगर हमने जो लोन लिया उसे नहीं चुकाया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, मेरा बेटा भी सो रहा है, उसके उठते ही हम चले जाएंगे। रचना, तुम्हारे बेटे को जल्दी उठाओ। ठीक है जी।
इतने बुरे दिन आ गए हैं। चुपचाप चलो। प्यारे लाल, ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? शहर से बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, एक रिश्तेदार। हाँ, हमें खबर मिली कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तुरंत हम चल पड़े। अच्छा, आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सुनिए, आओ, आइए। चलो आओ। चलो बेटा, चलते हैं। पापा। प्यारे लाल, हमारी गंगा ने अपना घर खरीद लिया और जिस होटल में काम करती है वहां सीनियर मैनेजर बन गई। घर रास्ते में ही है, 5 मिनट देखकर चलते हैं ना? अरे बिल्कुल, जरूर देखेंगे। अरे पुरुषोत्तम, उसने हमारी एरिया में घर खरीदा। सुनिए, हमारे घर के पास है। हाँ सुनो, यहाँ क्यों आए हो? सब लोग आइए, मैं बताता हूँ। आइए, आइए। आओ यार, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? आओ बताता हूँ। आओ ना माँ। ये लीजिए प्यारे लाल जी, गंगा ने इसी घर को खरीदा है। बात कुछ समझ में नहीं आई? गंगा ने आपकी सारी कर्जे चुका दी है। प्रॉपर्टी जब्त करने से पहले हम नोटिस लगाते हैं और अमीना भी आते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सोचा नहीं हमने ऐसा क्यों नहीं किया? चलता हूं सर। ठीक है ठीक है, मैंने पहले भी पूछा था लेकिन तुमने मना कर दिया, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ये भी गंगा का ही आइडिया है। रिलैक्स अंकल, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे तैसे आपके बेटे को चेन्नई जमीता में एक सीट दिलवा दीजिए। सिर्फ 3 ही साल, पढ़ाई पूरी होकर एग्जाम्स पास करने के बाद जहाँ मैं काम करती हूँ उसी 5-स्टार होटल में एक जबरदस्त नौकरी दिलवाऊंगी। ओके, हम चलते हैं अंकल। हम चलते हैं यार। ए प्यारे लाल, बचपन से ही तुम जो भी नई चीज खरीदते हो पहले मुझे बताते हो। अब तो तुमने इतना बड़ा घर ले लिया और मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। भाई साहब, गंगा के कहने के मुताबिक मेरे बेटे ने भी चेन्नई जमर्दा में अच्छी तरह पढ़ाई की, अब वो भी ट्रेनिंग के लिए विलाय जाने वाला है। मैंने कहा था ना, चेन्नई जमर्दा में पढ़ाई करना ही एक वर्क एक्सपीरियंस है। क्यों भाई? हाँ अंकल, अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है।